कल हमने कंपनी क्रिएट करी थी, लेजर बनाने सीखे थे, ठीक है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टॉक आइटम। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। विशाल, चलो विशाल ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है भैया। ये कंट्रोल ऐसे हमने सेव किया, ठीक है। अभी इन सबको स्किप करते हैं, अब आते हैं क्रिएट पे। कल हमने अकाउंटिंग मास्टर निपटाए थे, आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंटरी मास्टर की। अब इन्वेंटरी मास्टर में भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, इनको हम समझ रहे हैं। सबसे पहले समझना है हमको स्टॉक ग्रुप को और स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक दुकान को इमेजिन करते हैं, एक मोबाइल की दुकान को इमेजिन कर लो। अब मोबाइल की दुकान में अगर हम जाएं तो वहां पर स्टॉक की कैटेगरी को देखो किस तरह के हैं। तो वहां पे हम देखेंगे कि वो दुकान वाला स्मार्टफोन बेचता है, आईफोन बेचता है, कीपैड फोन बेचता है और सारे मोबाइल की एसेसरीज बेचता है। यानी मैंने क्या किया, उसकी दुकान में रखे हुए सारे सामान को चार कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, स्मार्टफोन, आईफोन, कीपैड फोन और बाकी सब मोबाइल एसेसरीज। अब चार्जर भी उसी में आ गए, हेडफोन भी उसी के अंदर आ गई और जो है तुम्हारे मोबाइल के कवर भी उसी में आ गए और जो है टच भी उसी के अंदर आ गई। सब कुछ जितना भी रखा था मैंने सब का सब मोबाइल एसेसरीज में डाल के बंद कर दिया। तो चार स्टॉक ग्रुप हो गए। हम यहाँ भी बना लेते हैं, सपोज स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। पहले मैं बना लेता हूँ एक स्मार्टफोन अंडर प्राइमरी, एक हम बना लेते हैं कीपैड फोन अंडर प्राइमरी, एक मैं बना लेता हूं आईफोन अंडर प्राइमरी, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं मोबाइल अंडर प्राइमरी। ये चार बड़े ग्रुप हो गए। अब मोबाइल एसेसरीज नाम की कोई चीज खरीदी बेची जाएगी नहीं, आईफोन नहीं खरीदा बेचा जाएगा। आईफोन के वेरिएंट हैं आगे, आईफोन एक्स है, आईफोन 6 है, आईफोन 7 है, 7S है, इस तरीके से आईफोन के वेरिएंट बिकेंगे, है ना, और खरीदे जाएंगे। ऐसे ही स्मार्टफोन कुछ नहीं है, स्मार्टफोन एक ग्रुप है। अब स्मार्टफोन भी बहुत सारे तरीके के हैं, तो पहले स्मार्टफोन की सब कैटेगरी हमको देखनी पड़ेगी कौन सा स्मार्टफोन। तो बाजार में बहुत तरह के स्मार्टफोन है, हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम स्मार्टफोन को कंपनी वाइज ब्रेकअप देते हैं। हम एक और ग्रुप बनाते हैं वीवो स्मार्टफोन अंडर, ये किसके अंडर आ जाएगा, स्मार्टफोन के अंडर आ जाएगा। एक हम बना लेते हैं सैमसंग स्मार्टफोन, ये भी किसके अंडर में, स्मार्टफोन के अंडर में। एक हम बना लेते हैं वीवो हो गया और ओप्पो स्मार्टफोन अंडर स्मार्टफोन। अब हमने देखा कि बाहर आके यहाँ देखो स्टॉक समरी पे अभी यहाँ नील है, लेकिन अंदर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक ग्रुप देखो ये पहले जीरो थे, अभी देखो आईफोन अकेला खड़ा है, कीपैड फोन अकेला है, मोबाइल एसेसरी अकेली है, स्मार्टफोन के पास तीन ग्रुप हैं। अभी किसी के पास कोई सामान नहीं है, खाली है सब है, लेकिन ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे ग्रुप बन गए, अब हम इसमें स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में और स्टॉक आइटम में अंतर क्या है, स्टॉक ग्रुप के अंडर स्टॉक आइटम होते हैं, जो भी लेन देन होगा वो स्टॉक आइटम में होगा। खरीदेंगे हम स्टॉक आइटम, बेचेंगे हम स्टॉक आइटम, प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक आइटम से होगा, मतलब जो भी होगा थ्रू किसके होगा, स्टॉक आइटम के होगा, ना कि स्टॉक ग्रुप। लेकिन स्टॉक ग्रुप उसको डिफाइन करेगा कि ये किस कैटेगरी का है। तो अभी हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम को बनाने से पहले हम आप सीख लो यूनिट बनाना। अब ये यूनिट क्या होती है, यूनिट जैसे कोई चीज किलो में आती है तो हम उसको लिखेंगे किलोग्राम्स। ये नीचे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए सिंबल हैं, हमको अगर जीएसटी वर्क करना है तो हमें इन्हीं सिंबल को फॉलो करना होगा। ये देखो किलोग्राम्स के लिए केजीएस को फॉलो कर रहे हैं हम।
अब ये है नेचर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर आप जिस आइटम में डील कर रहे हो वो डेसिमल प्लेस में एग्जिस्ट करता है, जैसे आधा, पौना, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या 0.25 या 1.5, इस तरह की वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर डेसिमल के प्लेस वाली वैल्यू लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे किसका, खाली मैंने आपको किलोग्राम का तो बना के दिखा दिया। अगर हम मोबाइलों में बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन में बात कर रहे हैं, तो हमको किलोग्राम तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, पीसेस। ये आ गया पीसेस, और पीसेस एक पीस पूरा ही होगा तो डेसिमल प्लेस की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बन गया मेरा। इसके बाद मैं बना लेता हूँ गोडाउन। अब मैं आपको समझाने के पर्पज से दो गोडाउन बना लेता हूँ। एक गोडाउन में बना लेता हूँ रुद्रपुर। गोडाउन आप अपने अकॉर्डिंग खुद बना सकती हो, इसको डिवाइड कर सकती हो। जैसे इंडिया को हम 4 डिवीजन में जो है बांट देते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, या स्टेट वाइज कि हमारा उत्तर प्रदेश में कितने गोडाउन है, उत्तराखंड में कितने गोडाउन है, बिहार में कितने गोडाउन है, कहाँ कहाँ हमारा स्टॉक पड़ा है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने गोडाउन खुद से क्रिएट कर सकते हो, कौन से गोडाउन को किसके अंडर में रखना है ये भी आप खुद से टैली को बता सकते हो। फिलहाल मैं दो गोडाउन बना रहा हूँ और दोनों प्राइमरी के अंडर में बना रहा हूँ, रुद्रपुर और कदम। ये मेरे दो गोडाउन भी बन के तैयार हो गए। अब मैं स्टॉक आइटम पे आता हूँ। अभी हम लोग कुछ भी खरीद बेच नहीं रहे, सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। स्टॉक आइटम पे आओ। अब देखो, जैसे हमने स्मार्टफोन बनाया, तो अब मैं वीवो Y17 एक स्मार्टफोन है, किसके अंडर में आ जाएगा ये, वीवो स्मार्टफोन। ठीक है, अब पीसेस में है, GST को एप्लीकेबल करना है या नहीं करना, तो अभी छोड़ देते हैं एक बार, पहले बिना GST के बना के देखते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, अगर पीछे से मेरा नया वो पुराना बिजनेस है और अब मैं टैली में लेके आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा होगा, खाली बनाना है। तो समोस मान लेते हैं कि पीछे से आ रहा है, तो 10-20 पीछे से हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। और कौन से गोडाउन पे पड़े हैं, सपोज गदरपुर वाले गोडाउन पे पड़े हैं 5, रेट 1 का 15,000, और रुद्रपुर वाले गोडाउन पे भी पड़े हैं 5, रेट 1 का 15,000। इस तरीके से 10 स्मार्टफोन मेरे पास पड़े हैं वीवो Y17 के। एक और बना लो वीवो, और कोई है मॉडल, चलो साहब कौन सा है, 37, चलो मान लिया इन्हीं की वीवो, ये भी पीसेस में, GST को इग्नोर करते हैं अभी। इसके भी हमारे पास, इसके सपोज 12 पीस है, बदरपुर में 8 पीस पड़े हैं, कितने का है भैया अंदाजा, 10,000। चलिए इनकी बात बड़ी करी, ठीक हो गया। रुद्रपुर में 4 पीस पड़े हैं, ठीक ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने अपने दो स्टॉक आइटम बना लिए। एक बना लेते हैं ओप्पो में, ओप्पो का मॉडल बोल दो भैया कोई, तुम नहीं बोलते, ठीक है, अंडर ओप्पो पीसेस में, ठीक है, 6 पीस पड़े हैं हमारे पास, सपोज गदरपुर के गोडाउन पे ही हैं, 12,500 का है, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम बना लिए हैं। अब आप देखोगे स्टॉक समरी में बाहर आके, स्टॉक समरी पे देखो स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन के अंडर में ओप्पो स्मार्टफोन है हमारे पास, वीवो स्मार्टफोन है, ठीक है, आ गया। ओप्पो स्मार्टफोन पे क्लिक करोगे खाली F1 प्रो है, और वीवो स्मार्टफोन पे क्लिक करोगे तो दो तरह के स्मार्टफोन है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं। अब बात कर रहे थे हम GST की, तो देखो अगर GST को इनेबल कर दोगे, फीचर्स में जाके GST को पहले इनेबल करो, यहां पे हमने GST इनेबल की, अपनी फर्म की GST नंबर डालो जो भी है, अभी सब GST के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सपोज ये हमारी फर्म का GST नंबर है, किसी का भी है, ठीक है, ये मैंने GST इनेबल कर दिया, डन। अब फिर से बैक आएंगे, फिर से हम स्टॉक आइटम पे जाते हैं, उन्हीं स्टॉक आइटम को अल्टर करते हैं जो हमने अभी बनाए थे स्टॉक आइटम, ठीक है। अब ओप्पो F1 प्रो, अब नीचे चलो, अब एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल करके GST अल्टर पे यस क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारे सामने आ गया। ऑल्ट W पे प्रेस करेंगे,
एप्लीकेबल फॉर्म, जीएसटी कब से लग रही है, साल की स्टार्टिंग ही डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डालिए मत डालिए, लेकिन एचएसएन कोड डाल दीजिए, जो भी एचएसएन लगता है सपोज, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जीएसटी का रेट डाल देंगे, कितने परसेंट जीएसटी इस पे लगती है, और हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सब पे डाल दो, यस वैल्यू ऑल डब्ल्यू 18%, अब ये काम आप बनाते हुए भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टॉक आइटम बनाने हैं। अब आप अपने धड़ाधड़ पूरे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लोगे, इसके अंडर में जाओ, ये सारी फिलिंग खुद से कर लो, स्टॉक आइटम पे जाओ, ठीक है। अब जैसे अभी हमने ओप्पो कर लिया, वीवो कर लिया, अब आईफोन में आ गया, सपोज आईफोन एक्स किसके अंडर में डाल दे, आईफोन, आईफोन की कोई सब कैटेगरी सब ग्रुप तो बनेगा नहीं, आईफोन है और सीधा आईफोन खरीदे बेचे जाएंगे। अब स्मार्टफोन की तो बहुत सारी कंपनी थी, तो आईफोन की कोई सब कंपनी तो है नहीं, तो आईफोन डायरेक्ट आप सीधे स्टॉक खरीदो, लगाओ, ठीक है। ऐसे ही एक हम बना लेते हैं, अब सपोज कीपैड फोन है, लावा का कीपैड फोन। अब हो सकता है आपकी दुकान में बहुत सारा स्टॉक रखा हो कीपैड फोन का, तो आप इसको भी कंपनी वाइज क्रिएट करो कि भाई सैमसंग का भी आता है, लावा का भी आता है, गुरु है ना, और बहुत सारे कीपैड फोन आते हैं, तो आप कंपनी वाइज इसका भी ब्रेकअप रखना पसंद करो। और हो सकता है आपकी इसकी बहुत कम डिमांड है, कस्टमर डिमांड को देखते हुए आपने 5-10 पीस रखे हुए हैं, तो आप इसका कंपनी वाइज ब्रेकअप ना रखना चाहो। तो सपोज आपने लावा के 4 पीस रखे हुए हैं, तो 4 पीस डाल के कीपैड फोन के अंडर में डाल दोगे, एक 4-6 पीस ग्रो के रखे हुए हैं, इस तरीके से जितने भी आ रहे हैं 4-5 पीस आपने रखे हुए हैं आप रख लोगे। और अगर आप 100-200 पीस रख रहे हैं, 1000-1000 पीस में डील कर रहे हो, तो आप कंपनी वाइज ब्रेकअप भी इनका चाहो तो रख सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हमने कीपैड फोन बना लिया, सपोज 6 पीस पड़े हैं गदरपुर वाले गोडाउन पे और 1200 रुपए का एक पीस है, ये हो गया। एक हम बना लेते हैं, जैसे सपोज हेडफोन, अब हेडफोन किसके अंडर में आ जाएंगे, मोबाइल एसेसरीज के। अगेन आप चाहो तो मोबाइल एसेसरीज के अंडर में सारे पहले ग्रुप बनाओ, हेडफोन का अलग ग्रुप बना लो, चार्जर का अलग ग्रुप बनाओ, कवर का अलग ग्रुप बनाओ, फिर आप ग्रुप के अंडर स्टॉक आइटम अलग अलग बनाओ, या आप इनमें भी अलग अलग कंपनियां बनाना चाहो, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। बस काम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मोबाइल एक्सेसरीज में जाओ, यहाँ पे भी जीएसटी इनेबल कर देते हैं, इसका भी एचएसएन कोड डाल देते हैं, सपोज 25-45 परसेंट, ये हमने सेव कर दिया। इसके भी आप डाल दो, सपोज मेरे पास 120 हेडफोन पड़े हैं रुद्रपुर में, और एक हेडफोन है सपोज मेरा 85 रुपए का, ये मेरे। अब आप जाके अपना स्टॉक देखेंगे बाहर, स्टॉक समरी ये देखो, मोबाइल एक्सेसरीज में 10,200 की है, स्मार्टफोन 3,45,000 के हैं, और अरे सॉरी लावा कीपैड फोन को हमने डायरेक्ट बाहर ही कर दिया था, इसको हम डाल देते हैं कीपैड फोन के अंदर में। तो कीपैड फोन अब ये हो गए, मोबाइल एक्सेसरीज ये हो गई, स्मार्टफोन ये हो गए, लेकिन आईफोन कहाँ है, आईफोन एक्स भी तो खरीदा था, आईफोन में स्टॉक डालना भूल गए थे, ये स्टॉक आइटम आईफोन एक्स स्टॉक डालना भूल गए थे, सपोज 15 पीस पड़े हैं गदरपुर में, 10 पीस हैं, कितने का होगा भैया, मैं तो अंदाजा ही नहीं भैया, मान लिया हमने, हमें तो पता नहीं, बाकी आप बच्चे लोगों को ज्यादा पता होता है, ठीक है ना। अब इसको आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको नीचे डिटेल मिल जाएगी, कीपैड फोन पे क्लिक किया, ये डिटेल मिल गई, क्या पड़ा है हमारे पास, एसेसरीज पे क्लिक किया, एसेसरीज हमारे पास क्या क्या पड़ी है,
स्मार्टफोन पे क्लिक किया तो ये पाया हमारे पास, ओप्पो स्मार्टफोन है, वीवो स्मार्टफोन है, ओप्पो के 6 हैं, वीवो के 22 हैं, ओप्पो पे क्लिक किया तो ओप्पो का F1 पड़ा है, वीवो पे क्लिक किया तो वीवो का 22 में 12 ये पड़ा है, 10 ये पड़ा है। इस तरीके से आप ब्रेकअप बना सकते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट और गोडाउन, चारों चीजें हो गई। अब आप बैठ के तैयारी करो।